भवते तिजोरे काउआ को श्रोताओ। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र बोले, माली भैया आप ऐसा करो वापस बाग को लौट जाओ। महाराज हम वापस बाग बादिक में जाएंगे। नहीं, आप बाग के लिए लौट जाओ, मेरी बात सुनो। आप उस सुअर को देखे रहना, घेरे रहना। जैसे ही सुबह होगा मैं सारी सेना को लेकर के आऊंगा, उस सुअर को मरवा दूंगा। एक काम करो, 10-20 रुपए दे दो, बीड़ी फिड़ी ले लेंगे। बिल्कुल माली, आप चले जाओ तो ला दे दो 10-20 रुपए बीड़ी, तमाकू में सिगरेट से लगा लेंगे। और क्या करें, माली वहां से लौट जाता है महाराज। और जैसे ही सुबह हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं, मंत्री जी महाराज, आज तुम्हें पता है हमें और आपको कहां जाना है? हमें नहीं पता कहाँ जाना है, मैं तो ये पता, अपनी ड्यूटी बजानी है बस। आज हमें और आप एक सुगर का वध करना है। जी जी महाराज। क्यों? तुम एक राजा होकर के सुगर का वध करोगे? और मेरे पास सारी बगिया को झाड़ दिया और सारी सेना को तैयार करो। नो 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 महाराज, दिस इज नॉट, आई डोंट वेरी टेल अबाउट दैट। नो नो नो, सारी सेना को तैयार कर दिया जाए और आप भी तैयार हो जाओ। महाराज सेना तो हमारी तैयार है पूरी, एक बम्बे भैया तीन सब तैयार है। मैं छुट्टी दे दूं, मैं घर टेलीफोन आवा सवेरे आज। क्यों? हमारे बच्चे ने की तबीयत खराब हो, डेंगू है गांव में। माली हाँ, मेरी बात सुन मंत्री, अभी कुछ भी नहीं देखा जाएगा, नहीं सुना जाएगा। और एक बात याद रखो, सुगर को वध करने के लिए जा रहे हैं, जिस किसी के पास से होकर के, सामने से होकर के सुगर अगर चंदा निकल गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ओ महाराज, तुम्हारे आगे करने को तो तुम्हें भैया ही पेड़ तक भांते का मारो देंगे।
मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। देखो मारा है मत छूना जान, तब मैं छुट्टी दे दियो। नहीं अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले शुगर का पत करवा दो। देखो शुगर फुगर तो मानता रही हो, मैं जानता नहीं मर मरा जाएंगे बच्चा। तो आपने हमारी सारी सेना को तैयार कर दिया? हाँ सेना सब तैयार है, डॉक्टर सुरजीत यादव तैयार है, मैंने उन्हें भाजवा। चलो अच्छी बात है, तो आज उसी समय मेरे भक्त श्रोताओ महाराज हरि से अपनी सारी सेना को लेकर चले और क्या किया, चारों तरफ से बाघ को घेर लिया है। लेकिन जब चारों तरफ से बाघ को घेर लिया, एक तरफ महाराज हरिश्चंद्र भी खड़े हुए हैं, विश्वामित्र ने क्या किया, सूकर का रूप धारण किया। और जहां महाराज हरिश्चंद्र खड़े हुए थे, आज वही सूकर घर घर की आवाज करके महाराज हरिश्चंद्र के सामने से होकर के गुजर जाता है। महाराज हरिश्चंद्र ने क्या देखा कि सूकर जिंदा निकल गया, घोड़ा पे सवार होकर के सूकर का पीछा करने लगा। आज चलकर के विश्वामित्र एक झाड़ी में छिप करके संत का भेष बन गया और उधर से चले आ रहे हैं। जब महाराज हरिश्चंद्र ने देखा तो महाराज हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो और आपने तेरे तो सुगर को जाते हुए देखा। विश्वामित्र बोले, आप हॉक जब आप हमें नहीं जानते हो, मेरा राम है तानवीर राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले, आप ही हरिश्चंद्र जब आप भी हम मैं ही हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले, राजन हमने तुम्हारा नाम तो बहुत सुना है। बोले महाराज, जैसा नाम सुना है वैसा मेरा काम भी है, कहिए आप क्या कहना चाहते हो। विश्वामित्र बोले, तो ये बताओ आप सुगर का क्यों पूछ रहे हो, जवाब दिया उसने बगिया को जाड़ दिया, हम उसे मारना चाहते हैं। जवाब दिया, महाराज राजा होकर के सुगर का बद करोगे, शोभा नहीं देता है। हम तो आस लगा करके आए थे क्या के घर में बिटिया कुआरी है। और क्या बोले महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र। दक्षिणा मिल जाए तो घर में बेटी विवाह के योग्य हाथ पीले कर दिए। और आज तुम कैसी गलत जगह पे बैठे, गलत बयाना ले लिया, लेट हो गई। अब हम तो तुम्हें देख लिए तो ऐसे करेगा, देख लो ना, हम तो ये सामने तुम्हें देखा तो उड़ा जाता, तो निकम्मन मंडली को जाता।